गेहूं के दामों में उछाल के साथ ही आटे के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रांडेड से लेकर नॉन ब्रांडेड के दामों में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ चुकी है। एक तरफ आटे के दामों में बढ़त देखने को मिली है तो दूसरी तरफ चावल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वर्ष गेहूं की खरीद पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम रही है। बेमौसम बारिश के कारण फसल खराब हुई थी। वहीं आपको बता दें, हरियाणा के पानीपत के जिले में गेहूं के सरकारी गोदाम लगभग खाली हो चुके हैं। इसमें 60 से 70 हजार गेहूं के कट्टे ही फिलहाल बचे हैं। विभिन्न प्रदेशों में गेहूं की सप्लाई हो चुकी है। उधर स्पेशल कंटेनर में भी झटीपुर पर पोर्ट पर लगाए जा चुके हैं। गेहूं का निर्यात भी किया गया है। प्राइवेट मार्केट में गेहूं का भाव फिलहाल 2800 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर पहुंच चुका है। इस बार गेहूं की परचेज काफी कम रही है। अकेले हाफेड़ ने 80,000 मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीदी की थी। वहीं पिछले 15 दिनों में आटे के दामों में उछाल आ चुका है। दो सप्ताह पहले आशीर्वाद आटे के पैकेट, जिसका वजन 11 किलोग्राम था, उसका भाव 375 रुपए चल रहा था। आशीर्वाद आटा की पैकिंग 11 किलोग्राम की थी। वर्तमान में आशीर्वाद आटे के बैग की कीमत 395 से 400 रुपए पहुंच चुकी है और पैकेट का वजन भी 10 किलोग्राम रह गया है। खाद्यान्न पदार्थों में उधर चावल के दामों में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अन्य देशों विशेषकर चीन में भारतीय चावल की अच्छी मांग निकली थी। हालांकि चीन को चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गेहूं आटे के साथ ही रिफाइंड में भी पिछले 10 से 15 दिनों में तेजी दर्ज की गई है। रिफाइंड सोया जो पहले 130 रुपए लीटर चल रहा था, अब उसका भाव 145 पर जा पहुंचा है। दरअसल अक्टूबर माह में हर रोज तेजी देखने को मिल रही है। वहीं नवंबर में भी आने वाली नवंबर के महीनों में भी उम्मीद की जा रही है कि भाव में तेजी बनी रह सकती है, क्योंकि जो अक्टूबर में तेजी देखने को मिली थी वो फिलहाल नवंबर में बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।